एक दिन ऐसे ही मधुर गायन के दौरान लाहौर का एक अमीर आदमी गुरु नानक से मिलने आया। उन्होंने गुरु नानक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। गुरु नानक ने कहा, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं, मुझे भव्य घरों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इसके अलावा आपके घर में मेरे जाने से आपको असुविधा और अनावश्यक परेशानी हो सकती है, लेकिन दुनी चंद जिद पर अड़े रहे और बार बार अपना अनुरोध दोहराते रहे। अंततः गुरु नानक उसके साथ उसके घर चलने को तैयार हो गए। वहां पहुंचने पर गुरु नानक ने दुनी चंद के घर पर कई बड़े झंडे लहराते हुए देखे। वह झंडों को देखकर मुस्कुराए। दुनी चंद गुरु नानक और उनके साथी को घर के अंदर ले गए। उसने उन्हें खाने के लिए ढेर सारा भोजन दिया। उसने उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी और अन्य रस दिए। फिर वह गुरु नानक के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। दुनी चंद ने कहा कि यह उनके पिता का श्राद्ध था और उन्होंने उनके नाम पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। गुरु नानक ने उत्तर दिया, उनके पिता को कुछ भी खाए हुए 2 दिन हो गए थे और फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके लिए 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है। दुनी चंद ने पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। गुरु नानक ने उत्तर दिया कि वह एक भेड़िए के रूप में अवतार ले चुके हैं, जो अब 6 मील दूर पेड़ों के झुरमुट में है। उसके पिता की आत्मा एक भेड़िए में प्रवेश करने का कारण यह था कि जब वह मानव रूप में था तब उसने